नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आज हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में आज जो हमको सुबह से एक देखिए जबरदस्त हमको आज एक मूव देखने को मिली है। तो देखिए यहां पर जो मैंने आपको सवेरे टेलीग्राम चैनल में जो मैंने पोस्ट करा था, तो देखिए वहां पर मैंने आपको डबल क्रॉस मैंने साइन बनाकर दिए थे। और जिस तरफ जो है बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम ऊपर की तरफ हम बायर बन जाएंगे, और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगी तो हम सेलर बन जाएंगे। तो फाइनली देखिए ऊपर की तरफ ब्रेक किया उसने और कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही चलते चले गया। तो यहां पर अगर हम अब ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए जो आज हमको जो कैंडल मिली है, अब इस कैंडल में हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आपको बिल्कुल सेलर की जो है कोई मतलब यहां पर प्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। यहां पर सेलर बिल्कुल हमको दिखे ही नहीं है, जहां से हमने बैंक निफ्टी में आज स्टार्टिंग की, सुबह से जो है स्टार्टिंग की और वहां से कंटिन्यू हम ऊपर की तरफ ही चलते चले गए। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ आपको कोई भी दिखाई नहीं देगी, और ऊपर से देखिए छोटा सा हल्का शाम को जो है सेकंड सेशन में लास्ट टाइम में जो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था, वो भी सेलिंग प्रेशर क्यों आया था, क्योंकि ये देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल आप ये देख सकते हैं कि जो पिछला जो हाई लगा हुआ है वो समझिए 30,950 के आसपास लगा हुआ है। तो फाइनली आज बैंक निफ्टी ने जो है जो आज का हाई लगाया है वो 30,930 के आसपास का जो है हाई लगाया है। तो मीन्स हम 15 पॉइंट्स रह गए, अगर 15 पॉइंट और ऊपर निकल जाते और 30,950 के ऊपर क्लोजिंग कर देते तो कल हम एक बहुत अच्छा बुल रन हमको जो है देखने को मिल सकता था। और अभी देखिए अभी हम यहां पर बैंक निफ्टी में पूरे प्रॉपर बुलिश है। मे भी देखिए अब यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर देखिए कल कोई डोजी कैंडल बन सकती है, डोजी कैंडल या फिर यहां पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद हम यहां पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर इसी फ्लो में चलते चलेगी बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ 30,950 के ऊपर मींस 31,050 के ऊपर यहां पर क्लोजिंग आ गई तो यहां पर देखिए हम यहां पर कंटिन्यू बुलिश होने वाले हैं। हमारा टारगेट यहां पर 32,000 का होने वाला है। ये किस सिचुएशन में होगा, जब यहां पर 31,000 के ऊपर ही क्लोजिंग आ जाएगी उस सिचुएशन में। अभी देखिए अभी हमको यहां पर डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मे बी यहां पर कोई डोजी कैंडल बनने के बाद कल शायद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, हम ऐसा देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे इंट्राडे में कि आज किस तरह से ट्रेड हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहां पर 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूं, और 5 मिनट के चार्ट में हम बात करेंगे यहां पर। तो यहां पर देखिए अब मैंने यहां पर देखिए आप लोगों को क्लियर कट बताया था आप लोगों को। देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल में कुछ मैंने इस तरह का चार्ट मैंने पोस्ट करा था, और इस तरह का चार्ट पोस्ट करने के बाद एक ऊपर से जो है ट्रेंड लाइन यहां पर आ रही थी, और मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन आपको जब भी ब्रेकआउट होती हुई दिखे तो आप जो है ऊपर की तरफ बाय कर सकते हैं। मींस मैंने आपको यहां पर एक एरो जो है ऊपर की तरफ का बना के दिया था, और दूसरा एरो जो बना के दिया था वो यहां पर नीचे की तरफ का मैंने एरो यहां पर बना करके दिया हुआ था। तो देखिए अब क्या हुआ, देखिए नीचे की तरफ तो हमारा ब्रेक हुआ नहीं, ठीक है ना। देखिए जो मैं चार्ट पोस्ट करता हूं टेलीग्राम चैनल में उसको जरा आप ध्यान से देखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो वहां पर क्या है, मैंने ऊपर की तरफ का जब एरो दिया हुआ है तो वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो आपको वहां पर बाइंग एंट्री करनी है, और यहां पर नीचे की तरफ जब ब्रेक आ गया तभी आपको सेल एंट्री करनी है। देखिए मेरे को जो है कंटिन्यू मैसेज आते रहते हैं कि सर यहां पर अभी सेलिंग एक्टिव हुई कि नहीं हुई एक्टिव। अरे भाई मैंने आप लोगों को यहां पर बनाकर दिया हुआ है, स्पेशल मैंने एरो यहां पर आपको बनाकर पोस्ट किया है कि जब तक ये लेवल के ऊपर है तब तक हम यहां पर बुलिश है, जब ये लेवल ब्रेक करेगा तब हम यहां पर बियरिश होंगे, अदरवाइज हम जो है बुलिश है। तो फाइनली देखिए ऊपर की तरफ का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था तो हम यहां पर बुलिश है। सो प्लीज जो है एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग मेरे को फोन मत किया करिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे को कॉल करते हैं, सर कॉल सी कॉल बाय करें, कॉल सी पुट बाय करें। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए मैं न्यू प्लान कर रहा हूं, वो आप लोगों के सामने बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगा। सो प्लीज जो है कॉल मत किया करिए, ठीक है ना, मैसेज कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आप लोगों का मैसेज का रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहां पर देखिए क्या हुआ, अब यहां पर देखिए हमारा यहां पर जो है बाइंग का ट्रेड एक्टिव हो गया, बट ये ट्रेड एक्टिव होने से पहले मार्केट देखिए कितना साइडवेज यहां पर गई थी, और आप मानेंगे इन इन साइडवेज मार्केट में ही हमने चार पांच ट्रेड बना लिए थे, और चार पांच ट्रेड में हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। इवन देखिए मैंने यहां पर जो अपने एक स्टूडेंट्स का हमारा ग्रुप है और एक हमारा जिन लोगों ने अकाउंट ओपन किया हुआ है उनका ग्रुप है, तो वहां पर भी आज मैंने एक या दो कॉल ही पोस्ट किए, और उसके बाद भी मैंने वहां पर ट्रेडिंग के लिए मना कर दिया क्योंकि इस तरह की मार्केट मेरे को दिखाई दे रही थी। और मैंने वहां पर देखिए जो क्लियर कट जो है मैंने ऊपर की तरफ का एरो देकर और नीचे की तरफ का एरो देकर मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर दी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 ट्रेड वहां पर कर लिए थे और 5 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल थे, ठीक है। तो देखिए पहले ट्रेड में हमने 1:4 लिया, 1:2 भी लिया, मतलब अच्छा रहा, मतलब आज का दिन अच्छा रहा, मैं ऐसा नहीं कह सकता बुरा रहा, क्योंकि हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया, जो हमारा दिन का हमारा जो टारगेट होता है हमने पूरा कर लिया। तो फाइनली यहां पर देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ जो है मार्केट चलते चली गई। अब मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज और यहां पर ड्रॉ करके अगर यहां पर दिखाऊं तो इस तरह से देखिए मार्केट आज एक जो है चैनल में चल रही थी, ये देखिए मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है तो ये देखिए यहां पर कंटिन्यू चैनल में चल रही थी, और देखिए हम यहां पर तब तक बुलिश थे जब तक ये ऊपर इस चैनल में चल रही है।
देखिए, अगर आप लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर देखिए, मैं इंट्राडे के पोस्ट में डालते रहता हूँ, बैंक निफ्टी की, निफ्टी की कॉल वगैरह भी वहां पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ, चार्ट कंटिन्यू पोस्ट करते रहता हूँ, वीकेंड पर मैं पोजिशनल स्टॉक पोस्ट करते रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे कल की, तो हमको कल किस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि हमारे लिए कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, हमने यहाँ पर अभी 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा लिया है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो हमने नीचे से एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए जब तक है तब तक हम यहाँ पर बुलिश के लिए जा सकते हैं, तब तक हम यहाँ पर बुलिश हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यू यही इसी देखिए इसी ट्रेंड लाइन से बार बार बाउंस बैक हुआ है, यहाँ से भी देखिए इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हुआ है, यहाँ से भी इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हुआ है, और फाइनली अब हम कहाँ पर खड़े हैं, अब हम बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन के आसपास खड़े हैं। तो शायद अगर आप समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि मे बी यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, इस ट्रेंड लाइन जहां पर हम अभी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास खड़े हैं, हम यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज करता हुआ दिखाई दिया, ट्रेंड मान लीजिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अगर ये लेवल 30,650 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ पर देखिए मे बी हम यहाँ पर बियरिश हो सकते हैं, और यहाँ पर कुछ पॉइंट के लिए हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। 30,650 के बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा 30,500 का और 30,350 का। तो जो चलिए मोस्टली हमने जो अभी ऊपर की तरफ देखना है, क्योंकि आज की कैंडल को देखता हुआ ऐसा लगता नहीं है कि मतलब मार्केट जो है नीचे की तरफ आने वाली है। बट देखिए, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मार्केट सुप्रीम है। यहाँ पर जो है हमको मार्केट को जो करती है उसको करने दीजिए, हमको बस यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि हमने ट्रेड कहाँ पर लेना है। देखिए, जब तक आप अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, आप नहीं सीखेंगे, तब तक चीजें आपको पता नहीं चलेंगी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है 30,950 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। 30,950 के ऊपर की हमको एक क्लोजिंग चाहिए। अगर 30,000 कल 30,050 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम यहाँ पर जो है 31,100 और 31,250 और 31,400 के लेवल कल हम देख सकते हैं। अगर कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ पर पहला लेवल देखेंगे 30,700 का, दूसरा लेवल यहाँ पर देखेंगे 30,600 का, और तीसरा लेवल में भी यहाँ पर देख सकते हैं 30,400 के आसपास। अब देखिए हमको यहाँ पर कल क्या करना क्या है, मैं आपको तीन सिनेरियो बता देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए जो तीन सिनेरियो है, ये देखिए एक तो है गैप अप ओपनिंग का, एक है गैप डाउन ओपनिंग का, और जो तीसरा सिनेरियो है यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग का। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये 30,900 के ऊपर ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद जो है आपको कम से कम एक 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है 30,950 के ऊपर, उसके बाद वहां पर आप बाय बन सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आपको कहीं मे बी 30,700 के लेवल के आसपास मिलती है बैंक निफ्टी, तो मे बी यहाँ पर आपको वेट करना है किसी कैंडल कंफर्मेशन का, या फिर डाटा एनालिसिस से आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, तो मे बी यहां से बाउंस बैक आ सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप वहां पर जो है प्राइस एक्शन का वेट करिए, प्राइस एक्शन के बाद जिस तरफ की मूव होती है, ऊपर की तरफ मूव होती है, ब्रेकआउट होता है, तो ऊपर की तरफ की बाइंग करिए, नीचे की तरफ का अगर मूव होता है तो नीचे की तरफ सेल करिए, बट वहां पर टारगेट एक छोटा रखिएगा, बिकॉज ये सेलिंग की मार्केट अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि यहां पर देखिए 30, 40, 50 पॉइंट जो भी मिले सेलिंग साइड में वो लेकर आप जो है अपना प्रॉफिट कंटिन्यू बुक करते रहिए। चलिए, ये थी हमारी जो है कल के लिए एनालिसिस, कल हम इस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। तो चलते हैं, आज हम जो है बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक कल मैंने आपको यहां पर बताया था 610 की क्लोजिंग के ऊपर हमारा टारगेट 615 और 620 का है। तो यहां पर देखिए फाइनली 620 का आज हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब हमको कल यहां पर क्या करना है, अगर हम यहां पर देखिए ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास एक हर्डल है, 620 के आसपास हमारे पास एक हर्डल है। बट हम यहां पर जो है ये एक मिनट में यहाँ पर हर्ड ये अच्छे से क्रॉस कर देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर देखिए 620 के ऊपर हमारे पास हर्डल है, और 620 का लेवल अगर हम क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो कल हम यहाँ पर 625 और 630 के लेवल बहुत आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए 2 दिनों से कंटिन्यू सेम हाई बना रहा है, और देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हम बुलिश हैं और इसके नीचे बेयरिश हैं, तो फाइनली देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था और इस लेवल के आसपास 365 के आसपास यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 410 के आसपास हम यहाँ पर एक हर्डल फेस करेंगे। अगर ये 410 का लेवल निकाल लेता है, 410 के लेवल निकालने के बाद हम यहाँ पर 425 का टारगेट हम बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ये 100 रुपए के नीचे का स्टॉक है, सो मैं इसको नहीं देखता हूँ। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक देखिए कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट में बता रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट लेवल है, और ये जो ऊपर का लगा हुआ है 1450 का, ये रेजिस्टेंस लेवल है, और जिस टाइम इस लेवल के आसपास आया था और ये हैमर कैंडल बनी थी, सो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से बाउंस बैक होने वाला है, सो आप लोगों को रेडी रहना है। तो फाइनली कल के लिए जो मैंने एनालिसिस आपको यहाँ पर बताई थी
वो बताई थी यहाँ पर देखिए 1400 की क्लोजिंग के ऊपर। तो 1400 की क्लोजिंग के ऊपर या फिर 1405 के ऊपर आप यहाँ पर बाइंग करने के लिए मैंने आपको बताया था। जो टारगेट आपको मैंने दिया था वो 1420 और 1430 का दिया था, तो फाइनली 1420 का यहाँ पर टारगेट हमारा अचीव हो गया है। अब देखिए 1422 रुपए के ऊपर कल निकलते हैं, तो जो यहाँ पर आप 1435 और 1450 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए आपको क्लियर कट मैंने बताया था कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और जो कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो सो फाइनली यहाँ पर देखिए जो आपको बाइंग करना था वो 515 रुपए के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया था, 520 रुपए और 525 रुपए मैंने आपको टारगेट बताया था। तो फाइनली आज का जो हाई लगा है वो 521 रुपए 20 पैसे लगा है। अब कल यहाँ पर आप जो है 521 रुपए के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, टारगेट हमारा 526 रुपए और 531 रुपए होगा। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए इंडसइंड बैंक अभी मेरे को जो है ऊपर जाता हुआ, मतलब प्रॉपर ऊपर जाता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर दो बनी हुई है। सो यहाँ पर मेरा टारगेट देखिए ये जो नीचे से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, मैं देखिए जाने को यहाँ से ऊपर जा सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर नहीं जा सकता, देखिए मार्केट है कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बाइंग करना एक समझ लीजिए ट्रैप होने वाला काम है। मैं बाइंग कहाँ करूंगा, मैं बाइंग करने के लिए प्रेफर करूंगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास। अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आता है देखिए, क्योंकि इस पहली बार यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए बाउंस बैक हुआ है, अगर दूसरी बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए तब मैं यहाँ पर खरीदने के लिए प्रेफर करूंगा, और यहाँ से बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन के पास अगर मुझे मिलता है तो यहाँ पर एक तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर मेरे को एक क्लियर कट मेरी यहाँ पर बाइंग होगी, एक कंफर्मेशन होगा, और यहाँ पर बाइंग करने में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई होगा। सो यहाँ पर मैं बाइंग करने की भी सलाह नहीं दूंगा। मे भी देखिए मैं इसको 810 का लेवल ब्रेक होने की वेट कर रहा हूँ। 810 लेवल का लेवल जब ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पर जो 750 के लिए मैं एक पहले सेल साइड की एंट्री लूंगा, 750 पर आने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूंगा, और उसके बाद 750 के आसपास मैं फिर यहाँ पर बाइंग की एंट्री लेकर मैं इसको होल्ड करूंगा 950 के लिए। नेक्स्ट है हमारा कोटेक बैंक। तो कोटेक बैंक देखिए मैं आप लोग को बता रहा था कि कोटेक बैंक मेरे को एक जबरदस्त स्टॉक लग रहा है, और कोटेक बैंक में मैंने आपको सेलिंग ना करने की सलाह दी थी। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कोटेक बैंक में सेल नहीं करना है, इसको हम जो है बाइंग के लिए ही प्रेफर कर रहे हैं। सो फाइनली देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट तो यहाँ पर हुआ पड़ा है, बट यहाँ पर जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं वो ना तो वॉल्यूम हमको यहाँ पर जबरदस्त कोई दिखाई दे रहा है, और ना ही हमको यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर आप छोटे छोटे टारगेट के लिए जा सकते हैं, जब तक यहाँ पर कोई वॉल्यूम हमको बड़ा वॉल्यूम से यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नहीं दिखेगा तब तक यहाँ पर हम पोजिशनल के लिए नहीं जाएंगे। देखिए पोजिशन के लिए स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल हमको यहाँ पर दिख रहा है, बट जब तक यहाँ पर वॉल्यूम हमको नहीं दिखेगा, किसी अच्छे वॉल्यूम से ट्रेड होता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक हम यहाँ पर जो है बाइंग के लिए अभी नहीं जाएंगे। इंट्राडे में हाँ अगर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके हिसाब से आप छोटे छोटे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक में चलिए अब हम देखते हैं आरबीएल बैंक के। देखिए अब ये जो हर्डल है इसके लिए हम यहाँ पर हर्डल है 230 के लेवल के आसपास। देखिए लास्ट टाइम भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए इसके लिए एक हर्डल था, फाइनली इस हर्डल से नीचे की तरफ आया और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद जो ये रेजिस्टेंस लेवल था यही देखिए सपोर्ट लेवल बना, और सपोर्ट लेवल से फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, और फाइनली देखिए फिर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ। अब यही सपोर्ट लेवल इसके लिए जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब इसको एक बार 230 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, 230 का लेवल क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर 245 के लिए एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर देखिए मैंने आपको कल क्लियर कट बताया था कि यहाँ पर हम 270 रुपए के ऊपर बाइंग के लिए जा रहे हैं। 270 के ऊपर फाइनली आज का लेवल क्रॉस हुआ, और 270 के बाद देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पर मूव देखने को मिला है, और फाइनली यहाँ पर जो आज का हाई लगा है वो तो 276 रुपए लगा है। अब कल को अगर आपको एंट्री लेनी है तो एक बार 277 का लेवल क्रॉस होने दीजिए, 277 का लेवल क्रॉस होता है तब हम यहाँ पर 280 283 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो चलिए अगर आपको ये देखिए मैं बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस करके आता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर हाँ इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपके नियर अबाउट में सारे क्वेश्चन की मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा। सो देखिए यहां पर बैंक निफ्टी इस टाइम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं एक चैनल में यहां पर ट्रेड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग चैनल पैटर्न। तो ये असेंडिंग चैनल पैटर्न में भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और मे भी जब तक ये असेंडिंग चैनल पैटर्न में है तब तक देखिए अभी हमारे पास ये जो एक देखिए इसमें क्या होता है असेंडिंग चैनल पैटर्न में, असेंडिंग चैनल पैटर्न में एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ हम ड्रॉ करते हैं, एक ट्रेंड लाइन हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। जब नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करता है तो हम वहां पर अपनी कन्फर्मेशन के साथ बाइंग करते हैं, और जब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच करता है तो हम अपनी कन्फर्मेशन के साथ वहां पर सेलिंग करते हैं। तो फाइनली अगर हम इस लिहाज से भी देखें तो यहां पर इस टाइम नीचे वाली ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट यहां पर घूम रही है, और मे भी ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन
बैंक को टच करने के लिए जा सकती है। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए जो 30,950 का एक जो हर्डल है, जो पिछला हाई जो हमको हमारे पास है वो 30,950 का हाई है, 30,945 का। तो एक बार 30,950 के ऊपर ही क्लोजिंग आने दीजिए। टारगेट हमारा यहाँ पर 30,150, 30,300, 30,400 के लिए हम यहाँ पर क्लियर कट कल बाइंग के लिए जाएंगे। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।